अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास इन्फिनिक्स और 12 प्ले X16 सी का मॉडल है जिसके ऊपर FRP लगी हुई है। इसको हम किस तरह रिमूव करेंगे, हम पहले चेक करते हैं वाकई FRP लगी हुई है। आज हम FRP को बाईपास करेंगे, इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले की FRP को। देखो भाई, हमारे पास FRP लगी हुई है इस मोबाइल के ऊपर। देखो मॉडल इन्फिनिक्स 68 16 सी का मॉडल है। इसको हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद हमारे पास एक सिम होनी चाहिए जिसके ऊपर पिन लॉक लगा होना चाहिए, या अगर नहीं लगा हुआ तो किसी भी कंपनी की किसी भी मॉडल उसकी सिम के ऊपर पिन लॉक लगा ले आप। अभी वो सिम हम एंटर करेंगे मोबाइल के अंदर। इस तरह एंटर किया, एंटर के बाद हमारे सामने मोबाइल के ऊपर पासवर्ड आ जाएगा। जिस तरह पासवर्ड को ओके करेंगे, टिक के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे तो उधर से पावर बटन प्रेस करके मोबाइल को ये देखो इस तरीके से कर लेंगे। इस तरीके से 2-3 दफ़ा ट्राई करेंगे तो हमारा मोबाइल हो जाएगा। भी पासवर्ड आ चुका है। जिस तरह हम पासवर्ड को टिक के बटन को एक क्लिक करेंगे और साथ ही पावर बटन तो ओपन करेंगे, देखो हमारे सामने लोगो आ चुका है मोबाइल। तो हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे इसको और यहाँ पर ऊपर सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग अंदर ऑप्शन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। यह रहा सेटिंग, नीचे सेटिंग को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जे वाला ऑप्शन है, इसके अंदर जाएंगे। इसके बाद साउंड में जाएंगे। साउंड को नीचे इसके नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ऐड इस पर इसके ऊपर जाएंगे। इसके बाद यहाँ से जो 3 ऊपर डॉट नज़र आ रहे, 3 लाइन से नज़र आ रहे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारा दोबारा हो गया। 3 डॉट के ऊपर जाएंगे और ड्राइव के अंदर चले जाएंगे ऑप्शन के अंदर और यहाँ से परमिशन के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे। यहाँ पर सर्च करेंगे XS लिख लेंगे तो यहाँ पर एक्स शेयर आ जाएगा हमारे पास, एक्स शेयर मिनी। ये देखो भाई हमारे सामने आ चुका है एक्स शेयर मिनी। इसके ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहां से इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद एग्री करेंगे इस ऑप्शन को और इसको अलाव भी करेंगे। आगे की तरफ इस ऑप्शन को खोलेंगे, ओपन करेंगे। अभी हमारे पास एक दूसरा मोबाइल भी होना चाहिए जिसके जरिए हम फाइल इस मोबाइल में एंटर करेंगे। तो हम हमारे पास दूसरा मोबाइल है, प्ले स्टोर ओपन कर ले। प्ले स्टोर में हमारे पास एक्स शेयर जो ऐप है इसको हम डाउनलोड करेंगे। एक्स शेयर जो ऐप है इसको हम डाउनलोड करेंगे। और दूसरी तरफ गूगल पे जाके एजाज मोबाइल सर्च करेंगे और ये वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो 3 लाइन नज़र आ रही है इसको क्लिक करके FRP फाइल जो है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फाइल आ जाएंगे। इस पर यहाँ से FRP बाईपास वाली फाइल को हम डाउनलोड करेंगे और गूगल अकाउंट मैनेजर 10 एंड्रॉयड 10 जो है उसको हम डाउनलोड करें। इस दो फाइल को हम डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड पड़ी है, हमने डाउनलोड की हुई है। अब हम जाएंगे इसके बाद एक्स शेयर में, बैक करेंगे, एक्स शेयर में जाएंगे। यहाँ से सेंड वाला ऑप्शन जो है इसमें जाएंगे और ऊपर फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे। सेंड फाइल फोन स्टोरेज में जाएंगे और यहाँ से वो फाइल जहाँ पर पड़ी है वही फाइल हम ढूंढेंगे। फोन यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड में जाएंगे और यहाँ से वो वाली फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे, FRP बाईपास वाली फाइल।
और दूसरा एंड्रॉयड 10 गूगल मैनेजर। ये वाली फाइल हम दोनों फाइल सेलेक्ट करेंगे और फिर दोबारा दूसरा फ़ोन उठाएंगे। उस फ़ोन में जो है रिसीव वाला ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। और दूसरे में हम सेंड वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बार कोड आएगा जिसको हम सर्च करेंगे। ये देखो हमारे पास आ चुका है, इसको हम सर्च करते हैं जिस तरीके से ये इसको कनेक्ट कर लेगा। कनेक्ट करने के बाद ये दोनों फाइलें इस मोबाइल में ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो हम अब इस फाइल दोनों फाइल को इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ से बैक करेंगे और वही सर्च वाली ऑप्शन में जाएंगे दोबारा। यहाँ पर हम सर्च करते हैं FRP बाईपास वाली फाइल हमारे सामने आ चुकी है, इसको हम ओपन करेंगे। नीचे ओपन का ऑप्शन है, ओपन कर लिया। अब यहाँ से 3 डॉट पर जाकर ब्राउजर साइन करेंगे। साइन इन हमारे पास, अगर आपके पास अकाउंट पड़ा है तो लगा ले, वरना नहीं न्यू अकाउंट भी बना सकते हैं। मैंने अकाउंट अपना इसमें एंटर कर चुका हूँ, पासवर्ड भी और लॉगिन साइन इन कर दिया है मैंने। अब बैक आएंगे दोबारा और यहाँ पर अभी सर्च करेंगे गूगल अकाउंट मैनेजर, जो दूसरा वाला फाइल हमने डाउनलोड किया था, गूगल अकाउंट मैनेजर। वो वाला फाइल इसमें इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से हम इसको अनइंस्टॉल कर देंगे, गूगल अकाउंट मैनेजर को अनइंस्टॉल कर देंगे और यहाँ से बैक जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारी FRP ओपन हो चुकी है। बैक जाएंगे, वीडियो को हम और लंबी नहीं करना चाहते, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो हम आपको डायरेक्ट दिखाते हैं, हमारा मोबाइल ओपन हो चुका है, आप कनेक्ट करें वाईफाई के साथ। अगर कनेक्ट नहीं है तो हम आपको मोबाइल दिखा, ये देखो भाई हमारा मोबाइल ओपन हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।